भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की। मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। इस मुकाबले में कुछ ऐसे भी पल थे जो फैंस के लिए यादगार बन गए। दरअसल बात करें अगर उन मोमेंट्स की तो सबसे पहले भारत के बल्लेबाज केएल राहुल का मोमेंट रहा। केएल राहुल की बात करें तो वह पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। नसीम शाह ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया और केएल राहुल सस्ते में पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद फैंस को साल 2021 T20 वर्ल्ड कप का वो मैच याद आ गया जब केएल राहुल शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे थे। ऐसे में फैंस ने लगातार उन्हें घेरना शुरू किया। 19 साल के नसीम शाह ने पहली गेंद पर 142 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी और केएल राहुल उस गेंद को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्हें पहले ओवर में 2-2 जीवनदान मिले। आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने मोहम्मद रिजवान को गेंद डाली। इसी दौरान मोहम्मद रिजवान के पैर पर आकर गेंद लगी, जिसके बाद भारतीय खेमे में खुशी जाहिर होने लगी और LBW की अपील की। फैंस खुश हुए कि मोहम्मद रिजवान आउट हो जाएंगे। अंपायर की भी उंगली उठी, लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने रिव्यू लिया और रिव्यू में पाया गया कि वह नॉट आउट है। लेकिन इसी ओवर में एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंद डाली और मोहम्मद रिजवान ने चौका मारने का प्रयास किया और एक बार फिर अपील उठी कि शायद वह कैच आउट है। लेकिन इसके बाद पाया गया कि बैट और साथ ही गेंद का किसी भी तरीके से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा और मोहम्मद रिजवान को एक ही ओवर 2-2 जीवनदान मिले। वहीं भारतीय पारी के 18वें ओवर की बात करें तो 19 साल की नसीम शाह ये गेंद डालने आए और इसके बाद नसीम शाह ने जडेजा को बेहतरीन गेंद डाली। जडेजा के ऊपर LBW की अपील उठी, लेकिन रिव्यू में पाया गया कि वह नॉट आउट है। इसी दौरान नसीम शाह ग्राउंड पर इंजरी के कारण लेट गए और पूरी पाकिस्तान की टीम उनके इर्द गिर्द आ गई और नसीम शाह चोटिल होने के कारण दर्द से कराहने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अगली गेंद फिर डाली। इसके बाद जडेजा ने उनके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया और एक जबरदस्त गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह मूवमेंट भी फैंस के लिए यादगार हो गया। वहीं एक मूवमेंट साल 2021 वाला ही सेम देखने को मिला। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में विराट कोहली ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को गले लगाया था, जिसके बाद कई सवाल या निशान खड़े हुए थे। लेकिन इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस बार हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद रिजवान को गले लगाया और इसके बाद फैंस ने हार्दिक पांड्या की तारीफ की। दरअसल आपको बता दें कि हार्दिक जिस वक्त रन लेने के लिए दौड़ रहे थे तब मोहम्मद रिजवान और उनके बीच टक्कर हो गई। इसके बाद माहौल गर्मा सकता था, लेकिन इसका उलट देखने को मिला और हार्दिक ने मोहम्मद रिजवान को गले लगा लिया। वहीं सबसे बड़ा मोमेंट जो देखने को मिला वो था भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्लेबाजी से कमाल ना कर पाना। आपको बता दें कि भले ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने मुकाबला जीत लिया हो, लेकिन इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से फेल हो गए। रोहित शर्मा की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप साल 2021 में भी उनका बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला था। साल 2019 वर्ल्ड कप के दौरान भी रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने में नाकामयाब रहे थे और ऐसे में फैंस अब रोहित शर्मा को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने इस मैच में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा ने जैसे ही अपने बल्ले से 11 रन बनाए, वैसे ही वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी पुरुष खिलाड़ी के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है, साथ ही आपके हिसाब से भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में यादगार मूवमेंट क्या रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।